नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। दुनिया के सबसे विकसित देशों में अमेरिका का नाम सबसे ऊपर रहता है। कहने को ये देश संपन्नता और संप्रभुता का प्रतीक है, मगर कहते हैं ना कि कितनी ही संपन्नता हो, कुछ भी संपन्न नहीं होता। वही बात एक बार फिर नजर आई है अमेरिका में। जी हाँ, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को कानूनी तौर पर मंजूरी देने वाले 50 साल पुराने ऐतिहासिक रो बनाम वेड फैसले को पलट दिया है। ऐसे में अब अमेरिकी महिलाओं के लिए गर्भपात के हक का कानूनी दर्जा खत्म हो जाएगा। इसी को लेकर पिछले दो दिनों से अमेरिका में विरोध हो रहा है। कुछ इस कानून के साथ हैं तो कुछ इसके खिलाफ। ताजा खबरों के मुताबिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसी आशंका है कि पीरियड ट्रैकिंग ऐप को अधिकारियों को डेटा सौंपने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इनका उपयोग किसी यूजर के अबॉर्शन कराने की आशंका को लेकर हो सकता है। आगे चर्चा करने से पहले आइए जान लेते हैं कि ये कानून आखिर है क्या। रो बनाम वेड का ऐतिहासिक फैसला नॉर्मा मैककॉर्वी नाम की एक महिला की याचिका पर आया था। अदालती कार्यवाही में उनको ही जेन रो नाम दिया गया। दरअसल मैककॉर्वी 1969 में अपना एबॉर्शन कराना चाहती थी। उनके पहले से ही दो बच्चे थे। वो टेक्सास में रहती थी जहां गर्भपात गैर कानूनी था। उसकी इजाजत तभी दी जा सकती थी जब गर्भ धारण करने से मां की जान को खतरा हो। मैककॉर्वी ने फेडरल कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया कि टेक्सास का गर्भपात कानूनी असंवैधानिक है। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के तौर पर तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हेनरी वेट का नाम था। हालांकि मैककॉर्वी को तब गर्भपात कराने की अनुमति नहीं मिल पाई थी। इसके दो साल बाद जनवरी 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने मैककॉर्वी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि गर्भ का क्या करना है, गर्भपात कराना है या नहीं, ये तय करना महिला का अधिकार है। जो बनाम वेट का ये फैसला ऐतिहासिक रहा, जिसने अमेरिकी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार दिया। इसके बाद अमेरिका के अस्पतालों के लिए महिलाओं को गर्भपात की सुविधा देना कानूनी तौर पर नियम बन गया था। कोर्ट के इस फैसले का अमेरिका के कई धार्मिक समूहों ने खूब विरोध किया था। उनका कहना था कि महिला के अंदर पल रहे भ्रूण को भी जीने का अधिकार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला धार्मिक रूप से उचित नहीं है। इस मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के विचार भी अलग अलग थे। अब आप सबके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सालों बाद ये मुद्दा कैसे दोबारा चर्चा में आया। दरअसल इसका पूरा श्रेय जाता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। जी हाँ, 4 साल यूएसए के राष्ट्रपति रहे ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा राइट विंग के समर्थक जजों की भर्ती करवाई, जिसका असर ये हुआ कि रूढ़िवादी विचारधारा वाले यानी कि रिपब्लिकन पार्टी का आज भी यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में असर काफी ज्यादा है। यही कारण है कि रूढ़िवादी रिपब्लिकन अमेरिका के अबॉर्शन कानून के खिलाफ है। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने यूएसए के स्टेट्स को अनुमति दे दी है कि एबॉर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना या लिमिट्स लगाना स्टेट्स के हाथ में है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान गर्भपात का अधिकार प्रदान नहीं करता है। उन्होंने ये भी बताया कि गर्भपात को विनियमित करने का अधिकार लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस कर दिया गया है। बहुमत से लिए गए फैसले को सुनाते हुए जस्टिस सैमुअल अलिटो ने कहा कि गर्भपात एक गहरा नैतिक मुद्दा प्रस्तुत करता है, जिस पर अमेरिकी तीव्र परस्पर विरोधी विचार रखते हैं। संविधान हर राज्य के नागरिकों को गर्भपात को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने से प्रतिबंधित नहीं करता है। अब आप कहेंगे कि अखबारों में और न्यूज चैनलों में तो ये दिखाया जा रहा है कि अमेरिका में अबॉर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल अब होगा ये कि यूएसए के वो स्टेट्स जो धार्मिक या राइट विंग समर्थक हैं, वो या तो अबॉर्शन प्रतिबंधित कर देंगे या फिर अबॉर्शन के लिमिट्स कम कर देंगे। यानी कि अबॉर्शन के लिए जहां अभी तक 20 से 24 हफ्तों का समय मिलता था, वहीं अब 6 से 15 हफ्तों का समय मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अब अगर किसी एक स्टेट की महिला को अबॉर्शन कराना है और उस स्टेट में अबॉर्शन गैर कानूनी है, तो अब उसे दूसरे किसी ऐसे स्टेट में जाना पड़ेगा जहां अबॉर्शन प्रतिबंधित नहीं है। आपको बता दें कि वर्तमान में इराक समेत 16 देशों में गर्भपात पर पूरी तरह से रोक है। यूएई समेत 39 देश ऐसे हैं जहां मां की जान बचाने के लिए गर्भपात की इजाजत है। वहीं ब्रिटेन, जापान, फिनलैंड समेत 14 देश महिलाओं को ये तय करने का अधिकार देते हैं कि वो बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं। अपने देश भारत की बात करें तो दुष्कर्म पीड़ित, रेप की शिकार या नाबालिग को 24 हफ्ते तक गर्भपात की इजाजत है। ऐसी महिलाएं जिनकी वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल गई हो, विधवा हो गई हो या तलाक हो गया हो, और दिव्यांग महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार है। अगर भ्रूण में कोई ऐसी विकृति या गंभीर बीमारी हो जिससे महिला की जान को खतरा हो, तो भी 24 हफ्ते में गर्भपात का अधिकार है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जहां एक तरफ फ्रांस समेत कई बड़े देशों के राष्ट्रपतियों ने अमेरिका की निंदा करते हुए अपने देशों का उदाहरण पेश किया है, तो वहीं इस मामले में भारत की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तो आपकी क्या राय है इस पर,
क्या ये फैसला सही है या नहीं, और क्या भारत को अपनी चुप्पी तोड़कर अमेरिका को अपने देश का उदाहरण देना चाहिए या फिर चुप रहो खुश रहो की नीति ही अपनाए रहनी चाहिए। हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारियों से भरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।